भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे स्थान पर पूजे जाने वाला ज्योतिर्लिंग श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में स्थित है और नर्मदा नदी के बीचों बीच शिवपुरी नामक द्वीप, जो पहले मंधाता के नाम से जाना जाता था, उस द्वीप पर ये ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की खासियत ये है कि ये दो स्वरूपों में मौजूद है, एक ममकलेश्वर और दूसरा ओमकारेश्वर। ममलेश्वर नर्मदा के दक्षिण तट पर और ओंकारेश्वर से थोड़ी दूरी पर स्थित है। अलग होते हुए भी इनकी गणना एक ही तरह से की जाती है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे एक कहानी है जिसे मैं वर्णन करूंगा। एक बार नारायण भक्त ऋषि नारद मुनि विंध्या पर्वत पर घूमते घूमते पहुंच गए। वहां उनका स्वागत बड़े ही आदर सम्मान के साथ हुआ। विंध्यांचल ने कहा कि वो सर्वगुण संपन्न है, साथ ही कहा कि उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, उसके पास हर प्रकार की संपदा है। उसमें अहंकार भाव साफ नज़र आ रहा था। इसी भाव में विंध्यांचल नारद जी के समक्ष खड़े हो गए। श्री नारद जी को अहंकार नाशक भी कहा जाता है। ऐसे में उन्होंने विंध्यांचल के अहंकार का नाश करने के लिए बात सोची। नारद जी ने विंध्यांचल से कहा कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन मेरु पर्वत के बारे में तो तुम्हें पता है, जो तुमसे भी ऊंचा है। उसके पर्वत के शिखर इतने ऊंचे हो गए हैं कि वो देवताओं के लोकों तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस शिखर तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। विंध्याचल से ये सब कहकर नारद जी वहाँ से प्रस्थान कर गए। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। इस प्रकार कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। उनकी बात सुनकर विंध्यांचल को बहुत बुरा लगा और बहुत दुख हुआ। इसके इस पछतावे से विंध्यांचल ने फैसला किया कि वो शिव जी को की आराधना करेंगे। उसने मिट्टी के शिवलिंग बनाए और वह भगवान की कठोर तपस्या करने लगा। उसने कई महीनों तक शिव जी की आराधना की। शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए, साथ ही आशीर्वाद भी दिया। शिव जी ने विंध्याचल को वरदान मांगने को कहा। उसने भगवान शिव से कहा कि अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे कार्य की सिद्धि करने वाली अधिष्ठ बुद्धि प्रदान करें। शिवजी ने विंध्या पर्वत के मांगे गए वरदान को पूरा किया। उसी समय देवतागण तथा ऋषिगण भी वहां पहुंच गए। इन सब के अनुरोध पर वहां स्थित ज्योतिर्लिंग दो स्वरूपों में विभक्त हो गया। इनके अनुरोध पर ज्योतिर्लिंग दो स्वरूपों में विभक्त हुआ, जिसमें से एक ओमकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिवजी ने जो वचन विंध्यांचल को दिया था कि वो इस स्थान को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, वो शिवजी ने एक ज्योतिर्लिंग के रूप में पूरा किया। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यवंश के राजा मंधाता ने ओम पर्वत पर भगवान शिव की कठिन
तपस्या की थी और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा था। उन्होंने शिव भगवान से हमेशा के लिए यहाँ बस जाने का अनुरोध किया और वचन मांगा, जिसके फलस्वरूप शिव भगवान यहाँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती रोज़ रात को यहाँ पर आते हैं और 64 पासे खेलते हैं। पुजारी रोज़ रात को श्रृंगार करके जाते हैं और 64 पासे रख के जाते हैं। सुबह को ये 64 पासे बिखरे होते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि 64 पासे अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान पर मिलते हैं। पुजारियों का मानना है कि भगवान रोज़ रात को यहाँ पर दर्शन देते हैं। ये इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे पूजा बिल्कुल अकेले में की जाती है। उस समय गर्भगृह को बंद कर दिया जाता है और किसी को भी इस गर्भगृह में आने की अनुमति नहीं होती है। सिर्फ यहाँ के पुजारी ही उस गर्भगृह में जाते हैं। शिवरात्रि के दिन इन पासों में बदलाव किया जाता है और नए पासे यहाँ पर रख दिए जाते हैं। 64 पासे शिवलिंग के सामने सजाने की प्रथा इस मंदिर की स्थापना के समय से ही चली आ रही है। मंदिर के पास में एक गुफा है जिसे काजल रानी गुफा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काजल नाम की एक रानी भगवान शिव की पूजा करने के लिए इस गुफा में जाती थी और उन्हें प्रसाद के रूप में काजल चढ़ाती थी। इस ज्योतिर्लिंग में संत आदि शंकराचार्य ने भारत में अपनी यात्रा के दौरान ओंकार मंदिर का दौरा किया था। कहा जाता है कि उन्होंने आसपास के क्षेत्र में एक मठ की स्थापना की जिसका ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है। मंदिर परिसर गुप्त काल लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में बना। ये शिल्पलेख उस युग के दौरान मंदिर के महत्व को दर्शाते हैं। भक्त अक्सर नर्मदा परिक्रमा करते हैं। नर्मदा नदी में एक परिक्रमा जिसमें पूरी नदी का मार्ग के चारों ओर घूमना शामिल है। ओंकारेश्वर इस पवित्र यात्रा का प्रमुख पड़ाव है। सभी भक्तों का ध्यान अक्सर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर होता है। मंदिर परिसर में अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है जो भगवान शिव के संयुक्त रूप के दूसरे आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर परिसर भक्तों को फ्लोटिंग दिए अनुष्ठान में भाग लेने का अवसर भी प्रदान करता है। भक्त दीपक जलाते हैं और उन्हें भगवान शिव को प्रसाद के रूप में नर्मदा नदी में प्रवाहित करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके पास में कोई सुझाव है तो ज़रूर हमें सुझाव दीजिए ताकि आने वाले 7 ज्योतिर्लिंगों में हम इसको इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद।